हेलो फ्रेंड्स, ये देखो मैं आपको आपके लिए एक और डिज़ाइन लेकर के आई हूँ और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। और इसको जैकेट वगैरह में आप डाल सकते हो तो बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही प्यारा है। और चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कैसे ये बनता है। दो सीधे लेने हैं, दो सीधे आगे धागा करके, दो उल्टे हो गए। मैं इसमें दो डिजाइन बना भी चुकी हूँ और मैं आपको ये शुरू से ही बता रही हूँ कैसे डलता है। पीछे धागा करके धागे को लपेट करके ऐसे इस तरीके से हमें दो को एक करके जाली बना देनी है। दो को एक करके जाली बना देनी है इस तरीके से। और यहाँ पे जाली डली हुई है, इसको एक ऐसे ही बना लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, दो उल्टे बना लिए, पीछे धागा करेंगे और एक दो तीन चार और पांच, पांच सीधे बना लेंगे। इसके बाद आगे धागा करके छह उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह, छह हमारे उल्टे हो गए। पीछे धागा करेंगे, फिर पांच सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच हमारे सीधे हो गए। फिर आगे धागा करेंगे, दो उल्टे बनाएंगे, पीछे धागा करके एक ऐसे ही ये जाली वाला सीधा बनाएंगे और इन दोनों को एक कर दोनों का एक कर देंगे। और इसके लपेटते हुए इस तरीके से लपेटते हुए दो उल्टे बना लेंगे, एक दो, फिर दो सीधे बनाएंगे, उल्टी सिलाई में जो सीधा फंदा है वो सीधा बनाएंगे और जो उल्टा है दो उल्टे बना लिए, पीछे धागा करेंगे, दो सीधे बनाएंगे, आगे धागा करेंगे उल्टी सिलाई में और तीन उल्टे बनाएंगे, पीछे धागा करेंगे, दो सीधे और पांच उल्टे। पांच उल्टे और जो हमने ये इधर से उल्टे बनाए हैं, इधर से हम छह फंदों को सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह। फिर आगे धागा करेंगे और पांच उल्टे, एक दो तीन चार पांच, पीछे धागा करेंगे, दो सीधे। इधर से हमारे उल्टे हैं तो इधर हम सीधे बनाएंगे उनको, और जो इधर से सीधे हैं इधर उल्टे बनाएंगे। इसी तरीके से ये उल्टी सिलाई हमारी सारी बन जाएगी। हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं, सीधी सिलाई पे दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे और एक सादा और दो दो इन दोनों का एक कर देंगे। और धागा लपेटते हुए ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से दो उल्टे बना लेंगे,
ये हमारी जाली बन गई और दो उल्टे भी बन गए इस तरीके से। पीछे धागा करेंगे हम, पांच सीधे ही बनाएंगे। चार पांच आगे धागा करेंगे और छह उल्टे बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छ, पीछे धागा करेंगे और पांच सीधे बनाएंगे। तीन चार पाँच आगे धागा करेंगे, दो उल्टे बनाएंगे। और उल्टे हमने बना लिए और धागा ऐसे लपेटते हुए दो का एक कर देंगे। जाली हमारी इधर बन गई, पिछली बार हमने इधर बनाई थी पिछली सिलाई पे, और इसको ऐसे ही बना लेंगे। फिर आगे धागा करेंगे, दो उल्टे बना लेंगे, दो सीधे। तब तक हम इनको बनाएंगे उल्टा। ये हमारी चार लाइन बन गई हैं, नहीं सॉरी तीन लाइन बन गई हैं, और एक और हम बनाएंगे उल्टी सिलाई में। जो उल्टा फंदा है वो उल्टा ही बनाएंगे और जो सीधा है उसको हम सीधा बनाएंगे। ये हमारी पांच सिलाई पूरी हो चुकी हैं। एक दो तीन चार, ये चार हो गई हमारी और पांच सिलाई हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसमें ये वाला डिब्बी डालेंगे। दो का एक कर देंगे, जाली डालते हुए दो का एक कर देंगे और इस जाली वाले को सीधा बना लेंगे। आगे धागा करेंगे, दो उल्टा। और हम इनको ये चौदह फंदे हमारे सीधे ही, हम एक सिलाई हम इनको सीधा ही बना लेंगे। दो तीन चार पाँच, पांच हमारे सीधे बने हुए थे, अब हम इन उल्टों को भी सीधा ही बना लेंगे। छः सात आठ दस ग्यारह तेरह चौदह, आगे धागा करेंगे और दो उल्टा और एक सीधा और दो का एक, और इस तरीके से लपेटते हुए दो उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई है ये, उल्टी में जो फंदे हमारे उल्टे हैं वो उल्टे बनाएंगे और जो सीधे हैं वो सीधे बनाएंगे। और ये सारे फंदे हम सीधे ही बना ले, उल्टे ही बना लेंगे, सारे को उल्टा ही इस तरीके से बना लेंगे।
सीधी सिलाई पे हम आ चुके हैं। एक सिलाई हमने सिंपल ये बना ली है, ये वाली। दो सीधे और दो उल्टे और एक सीधा और दो का एक और ऐसे लपेटते हुए दो उल्टे बना लेंगे। दो फिर से दो सीधे, दो हमने सीधे बना लिए हैं। हम आपको ये बताती हूँ कैसे बनेगी। छह फंदे हमने ये गिरा लिए हैं और तीन हमने ये भर लिए और इन तीनों को भी आगे पीछे करके इसी सिलाई में कर लेंगे और इन छह फंदों को हम इस तरीके से ऐसे ही बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। फिर से हम छः फंदे को इस सिलाई में से निकाल लेंगे। ये छह हमने इस तीन फंदे इसमें कर लिए। इन तीनों को भी इसी में कर लेंगे और वापस तीन फंदे इसी में ये हमने कर लिए और हम इनको एक एक करके एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छः और दो सीधे। आगे धागा करेंगे, दो सीधे, नहीं सॉरी दो उल्टे और इसे धागा लपेटते हुए और दो का एक कर देंगे जाली डालते हुए। आगे धागा करेंगे, दो उल्टे बनाएंगे और फिर से दो सीधे। उल्टी सिलाई में हमने आपको बताया उल्टी साड़ी ऐसे ही बनानी है। जो सीधे फंदे हैं वो सीधे बनाने, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने। हम इनको दो चार सिलाई बना लेंगे सादा साड़ी ऐसी ही। दो चार सिलाई इनको पूरा कर लेंगे इस तरीके से। दो सीधे, दो उल्टे और धागा ऐसे इस तरीके से लपेटते हुए जाली बनाते हुए दो को घटा देंगे और एक सीधा और दो उल्टे और दो फिर से सीधे। अब इन्हें सारे फंदों को सीधा ही बनाएंगे। हमें ये दो चार सिलाई सीधी ही इस तरीके से बना लेनी है।
ये हमने दो चार सिलाई हमने ये बना ली है। और चलिए हम इसको बताते हैं कैसे हमें बंद करनी है ये डिब्बी। दो सीधा बनाएंगे, दो उल्टा हो गया, और यहाँ जाली डाली हुई है तो इसका सीधा बनाएंगे और दो का एक कर देंगे, और धागा लपेटते हुए इस तरीके से धागा लपेटते हुए दो उल्टे बना देंगे, दो उल्टे और फिर दो सीधे। ये हमने यहाँ पे खोली थी, अब इसको हम बंद कर रहे हैं। छह फंदे हमने ये गिरा लिए हैं। हम इनको सारे इसी इन तीन फंदों को भी इसी सिलाई में गिरा लेंगे इस तरीके से। इनको ऐसे ही बना लेंगे एक, तीन, चार, पाँच, छः। तीन फंदे वापस इसी सिलाई में ले लिए और इनको भी इसी सिलाई में इस तरीके से कर लेंगे और छह फंदों को इस तरीके से बना लेंगे। और दो सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और दो उल्टे, धागा पीछे करेंगे एक सीधा और दो को दो का एक कर देंगे, और धागा ऐसे इस तरीके से लपेटते हुए और दो उल्टे बना लेंगे। इसी तरीके से ये हमारा डिजाइन अपने बनता हुआ आएगा। जैसे हमने यहाँ से रिपीट किया था यहाँ से भी हम इस तरीके से ही इसको बना लेंगे। अब छह फंदे हम उल्टे बनाएंगे और पांच यहाँ सीधे बनाएंगे। ये हमारे उल्टे सीधे चल ही रहे हैं और इसी तरीके से ये डिजाइन बनेगा। बहुत ही सुंदर है और ज़्यादा बनाने में भी आसानी ही है, और इसमें दूसरा कंटा नहीं लेना पड़ता है। इसी कंटे से छः फंदों का ये छः छः फंदों का डिजाइन है। तो इसी से, और आप लेना चाहती है तो दूसरा भी कंटा ले सकती है और इससे भी कर सकती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।